गुजरे जमाने की बहुत सी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें आज भी लोग वैसे ही प्यार देते हैं जैसे उनके जमाने में दिया करते थे। उनकी खूबसूरती और अदाकारी के लोग आज भी फैंस हैं। उन्हीं में से एक है आशा पारेख, जिन्होंने लंबा समय इंडस्ट्री पर राज किया। आशा पारेख की दीवानगी फैंस के बीच इस कदर थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। उन्हीं में से एक फैन ऐसा भी था जिसने आशा पारेख के घर के बाहर डेरा डाल दिया था और चाकू दिखाकर एक्ट्रेस से शादी करने को कहा था। खुद एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी से जुड़ा ये किस्सा बताया था। एक चैट शो में आशा पारेख ने बताया था कि उनके कई फैंस थे, लेकिन एक फैन की वजह से वो काफी परेशान हो गई थी। उनकी बिल्डिंग के बाहर कई फैंस उन्हें देखने आते थे। इन्हीं में से एक फैन ने उनकी बिल्डिंग के बाहर ही डेरा डाल दिया था। कई दिनों तक जब वो फैन उनकी बिल्डिंग के बाहर से नहीं गया तो वहाँ रहने वाले लोगों ने उस फैन को वहाँ से जाने के लिए कहा, मगर वहाँ से जाने के बजाय उसने उल्टा लोगों को चाकू दिखाकर धमकाया और कहा कि वो यहाँ आशा पारेख से शादी करने आया है। आशा पारेख के मुताबिक उस फैन से वो इतना घबरा गई थी कि कार से निकलते वक्त वे नीचे छिपकर जाती थी ताकि उसकी नजर उन पर न पड़े। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस को फोन करके इसके बारे में बताया, जिसके बाद उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया था। इतना ही नहीं, आशा पारेख ने बताया कि जेल जाने के बाद भी उस शख्स ने उन्हें लेटर लिखकर बेल करवाने को कहा था। बता दें कि आशा पारेख ने जीवन भर शादी नहीं की थी। आशा ने सच्चे दिल से नासिर साहब से ही मोहब्बत की, लेकिन उनसे कभी शादी करने का नहीं सोचा क्योंकि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और आशा किसी का बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ताउम्र ऐसे ही कुवारे लेने का फैसला कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान शादी से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय है सिंगल रहना। मैं एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कोई घर तोड़ने वाली औरत मैं बनूं। तो मेरे पास एक यही चॉइस थी कि मैं सिंगल रहूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही गुजारी है। हालांकि आशा ने एक बच्चे को जरूर गोद लेना चाहा था, लेकिन उनका वो सपना भी अधूरा रह गया। दरअसल जिस बच्चे को वो गोद लेना चाहती थी वो कई बीमारियों से ग्रसित था, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पर्सनल लाइफ में आशा पारेख एक समय इतना दुखी हो गई थी कि जीना नहीं चाहती थी। दरअसल माता पिता के देहांत के बाद वो अकेली पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। आशा पारेख को अक्सर रियलिटी शो में देखा जाता है। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।